अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे और ये क्लास 7 का टॉपिक है। हमने एक्सरसाइज 6.2 में सॉल्व किए थे क्वेश्चंस बाय प्रोपोर्शन मेथड एंड यूनिटरी मेथड। तो आज हम वही क्वेश्चंस हैं। इसमें हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क ये सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपकी सजेशन हो, कोई भी आपका फीडबैक हो, कुछ भी हो, अगर कहीं पे मिस्टेक करें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं रिव्यू कर दूँगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर कर दूँ कि ये बुक में जिसका आंसर है वो है 15, लेकिन जो मैंने किया है उसका आंसर आ रहा है 30। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी कुछ और अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपका आंसर 15 ही आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपका 15 आ रहा है, क्योंकि मैंने तो बहुत कोशिश की है, मेरा 30 आंसर आ रहा है। तो मैं माजरत कर रही हूँ अगर मैं गलत हूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत कर रही हूँ। मेरा भी लर्निंग स्टेज है, मैं भी आप लोगों के साथ सीख रही हूँ। तो प्लीज़ मैं माजरत कर रही हूँ अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन क्वेश्चन है कि 20 वर्कर्स कैन कंप्लीट हाफ ऑफ वर्क इन सर्टन टाइम, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन सेम टाइम। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो वर्कर्स और वर्क की हो रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि वर्कर्स और वर्क, 20 वर्कर्स हैं तो वो हाफ ऑफ द वर्क कर रहे हैं, और आपने मालूम करना है कि कितने वर्कर्स जो हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं 3/4 ऑफ द वर्क इन सेम टाइम। तो ये मैंने लिख लिया है, यहाँ पे वर्ड्स में दिया गया है 3/4, तो मैंने इसको नंबर्स में कर लिया है 3/4। यहाँ पे हाफ ऑफ वर्क है तो मैंने इसको भी 1/2 में कर लिया है। अब सबसे पहली बात ये है कि हमें ये मालूम करना है कि डायरेक्ट है प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो एक हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो हम पहले इनकी जो वर्क है उसकी कंपेरिजन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर काम कम हो रहा है तो दैट्स मीन जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 20 से कम आना चाहिए। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर सर्टेन टाइम में काम भी ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बंदे बढ़ गए होंगे, तभी तो वो काम ज़्यादा हो रहा है ना। तो इसलिए तो फिर आंसर 20 से अबव आना चाहिए। तो इसको कंपेयर करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है 1/2 और 3/4 को, क्योंकि फ्रैक्शन है तो हम इसको इस तरीके से कंपैरिजन कर नहीं सकते। कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो इसको मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल 1/2 है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 × 2 एंड 1 × 2। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। तो अब हम कंपेरिजन करें 2/4 का और 3/4 का। तो मतलब ये इसको हम इस तरीके से ले लें, तो मैं इन फ्रैक्शन को पिक्टोरियल फॉर्म में लेकर आई हूँ। इसका मतलब कि 4 कमरे हैं और इन 20 वर्कर्स ने 2 कमरे साफ़ किए हैं एक सर्टेन टाइम में, ठीक है? और ऑन दी अदर हैंड जो ये वर्कर्स हमें मालूम करने हैं, टाइम भी सेम है, अब वो 4 कमरे हैं उनमें से 3 कमरे उन्होंने साफ़ कर लिए हैं। तो मतलब बंदे बढ़ गए हैं ऑब्वियसली, तभी तो वो 3 कमरे साफ़ हुए ना। तो इसका मतलब कि ये जो आपका जो यहाँ पे होगा वो आपका क्या है, वो आपके वर्कर्स जो है बढ़ेंगे। अब जब वर्कर्स बढ़े तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, काम भी बढ़ा। तो इस हिसाब से हम इसको रखें तो 20 × 1/2 × 3/4, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ। तो x × 1/2 = 20 × 3/4। तो ये 4 × 1 = 4 एंड 4 × 5 = 20। तो ये x/2 = 5 × 3 = 15। तो 2x हमें आइसोलेट करना है ना, तो x वहीं पे रहेगा, 2 यहाँ डिवाइड करा, यहाँ जा क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो मीन्स x = 15 × 2, तो x = 30। तो इसका मतलब कि 30 वर्कर्स होंगे तब जाकर वो 4 में से 3 कमरे साफ कर पाएंगे। तो ये जी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और अंडरस्टैंडिंग है तो
तो प्लीज़ 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 मेरे कमेंट में ज़रूर वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा ताकि मैं अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर सकूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है कि इफ़ सिक्स लेबर्स कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। तो यहाँ पे भी लेबर्स और डेज की बात हो रही है, तो 6 वर्कर मतलब जो मजदूर हैं वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितने मजदूर जो हैं वो सेम काम 15 दिन में कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो आपका टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब टाइम बढ़ेगा दैट्स मीन जो वर्कर्स हैं वो कम होंगे, तो जब वर्कर्स कम होंगे तो ये वर्कर्स कम हुए टाइम बढ़ा दैट्स मीन ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक चीज़ आपने कम कर दी उस वजह से दूसरी चीज़ बढ़ी तो ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये इसको हम करते हैं एक्स 6:10:15, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये x मल्टीप्लाई 15, 6:10, तो x इजिकल टू 6:10 अपॉन 15। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 15। यहाँ पे हम टेबल लगाएं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 1 5 और 1 इधर चला गया, 5 2 10। नाउ 3 1 3, 3 4 12, दैट्स मीन एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब 4 वर्कर्स आप जब करेंगे तब जाकर वो सेम काम जो है आपका 15 दिन में होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर मैं 4 कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिएगा क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगी। अगर आपको कोई इशू है तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, मैं ज़रूर आपको वो जो है आप सॉल्व करके आप वीडियो बना दूंगी। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैंने जो मतलब जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप कमेंट्स आते हैं कि आप ये दोबारा करवा दें, तो मैं उनका स्क्रीनशॉट निकाल कर, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, उन पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आते हैं कि इफ़ 3 मेसन्स कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 4 डेज, 3 मेसन्स हैं और वो कंस्ट्रक्ट करें वॉल को दीवार को 4 दिन में, तो कितने दिनों में 5 मेसन्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करेंगे वॉल को। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है मेसन्स एंड डेज की, तो कितने मेसन्स, 3, कितने दिन में, 4 दिन में, और हाउ मेनी डेज मतलब एक्स कंस्ट्रक्टर 5 कंस्ट्रक्टर वॉल मीन्स 5 मेसन्स जो हैं वो दीवार जो है वो कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो इसका भी अगर हम देखें तो ये भी आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है आपने, ठीक है, ये भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसको हम करते हैं, इसको थोड़ा सा आप सोचिएगा कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं 5 3 4 x, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ हो जाएगा। तो इसको हम अगर करें तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 4 और 5 मल्टीप्लाई x, 5 4 3 12 और ये 5 इधर आ जाएगा, इसको हम करें तो ये 12, 5, 5 1 5, 5 2 10, 2, तो मीन्स x इज इक्वल टू 2 होल 2 अपॉन 5 या x इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो ये आपको उस वक्त ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि आंसर किस तरीके से, तो फिर आपने वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि 5 मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क, ठीक है, 1/3 ऑफ वर्क, हाउ मच वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 7 मैन इन द सेम टाइम। तो इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बात हो रही है मैन और वर्क की, तो 5 मैन 1/3 काम कर रहे हैं, आपने बताना है कि 7 कितना काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब आपने वर्कर्स बढ़ा दिए हैं तो ऑब्वियसली काम भी क्या होगा, काम भी बढ़ेगा। तो इसको हम मतलब आप वर्कर्स क्या कर रहे हो, वर्कर्स आप बढ़ा रहे हो तो आपका काम भी क्या होगा, काम भी आपका बढ़ेगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 7 5 इक्वल टू एक्स
1/3, तो ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका 5x इजिकल टू 7 × 1/3, तो x इजिकल टू ये हो जाएगा 7/3 × 5, एक्स इजिकल टू 7 × 5 = 35, 35 और ये हो जाएगा, बल्कि सॉरी सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, 5 तो यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ जाकर तो डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये डिवाइड होगा, फिर हम इसको करते हैं 7/3, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, तो एक्स इजिकल टू 7/30, 7/5 = 15, तो 7/ क्या हो जाएगा 15, तो अब आप इसका इक्विवेलेंट बनाकर, ये आपका आंसर आ गया 7/15, आप 1/3 का इक्विवेलेंट बनाकर फिर आप इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, तो इसका होगा 5/15 इक्विवेलेंट, और फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई जब आपने वर्कर्स बढ़ाए हैं तो आपका काम भी क्या हुआ है, बढ़ा है, तो ये जी इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन 7, विच इज़ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली दो पार्ट्स हैं, मतलब हमने एक एक करके किया होता है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में इन्होंने अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन करके बना दिया, तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अ कंसाइनमेंट ऑफ फूड लास्ट फॉर 75 डेज फॉर 1500 शीप, गिव दैट शीप कंज्यूम द फूडर एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो आपका कांस्टेंट वैल्यू तो ये है, 75 डेज के लिए खाना है 1500 बकरियों का, ठीक है, शीप का, तो आपने अगर नंबर ऑफ शीप्स मालूम करनी है, अगर आप डेज ऑब्वियसली बढ़ा रहे हो, तो जब आप डेज बढ़ाओगे तो आप बकरियां कम करोगे ऑब्वियसली, तो हम नंबर वन को पहले सॉल्व करते हैं। ये बात हो रही है बेसिकली डेज और शीप की, तो पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है हम वो लिख लेते हैं, कितने 75 डेज, कितनी शीप 1500, और फिर इनका आप देखिए क्या मालूम करना है, शीप मालूम करने हैं और 90 डेज के, जब आप दिन जो है कम करोगे ऑब्वियसली, तो जब आप दिन कम करोगे तो लेट मी चेक, सॉरी सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके 90, हाँ, जो ये 75 है, ये 1500 है और ये 90 है और ये आपका एक्स है, तो इसका आप यहाँ से समझ लें कि जब आप डेज बढ़ा रहे हो, जब आप डेज बढ़ा रहे हो तो बकरियाँ आपकी कम होंगी, तभी जाकर वो खाना जो है आपका पूरा होगा, तो इसको हम बना लेते हैं एरो, तो ये हो जाएगा 90, 75, 1500 और एक्स, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका एक्स जो आएगा वो आएगा 1250, 1 2 क्या आएगा 50, ठीक है, इसको आप करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ डेज आपने मालूम करने इक्वल कंसाइनमेंट व्हेन द शीप आर 1200, तो इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अगेन, क्या है डेज है और शीप है, तो कितने डे है 75 डेज फॉर 1500 और आपने मालूम करने नंबर ऑफ डेज फॉर 1200, तो यहाँ पे इन्होंने जो है बकरियाँ यहाँ पे भी इन्होंने कम की हैं, जब बकरियाँ कम की हैं तो ऑब्वियसली इनका खाना ज़्यादा दिन ही चलेगा, तो इसको भी हम करें एक्स 75 और 1500 मल्टीप्लाई, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, रेशियो 1200, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ होगा, तो एक्स मल्टीप्लाई 1200 और 75 × 1500, तो एक्स इजिकल टू ये इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम बल्कि लिख लेते हैं 75 1500 और ये 1200, 2 0 यहाँ से ख़त्म हो गए, 4 5 4 3 = 12 एंड 4 4 3 4 = 12 एंड 3 5 = 15, ठीक है, और इसको अगर हम करें तो ये 15 जो है 75 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 375 और 4 का 4, तो या तो ये आप आंसर कंसिडर कर लें या इसका आप जब मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो आएगा 93 होल 3/4, तो ये दोनों आप आंसर कंसिडर कर सकते हैं।
तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत गलती की है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज सीखेंगे और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।